अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है या आपकी सैलरी अगर अच्छी है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों की सैलरी कम रहती है फिर भी उन्हें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जिन लोगों की अच्छी खासी सैलरी नहीं है, इनकम कम है और सिविल स्कोर भी थोड़ा ख़राब है, तो वो लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। दोस्तों, अगर आपको विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्ड आपको मिनिमम सैलरी पर मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ी लिमिट कम हो, लेकिन ये कार्ड आसानी से आपको मिल सकता है। दूसरी कार्ड की अगर बात करते हैं तो हम कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट खोल कर उसमें एक नॉर्मल सी FD जमा करके उस FD के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अभी भी पैसा बाजार वेबसाइट ने एक नया नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, हम पैसा बाजार में अपनी FD जमा करके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 10,000 की FD अगर वहाँ पर जमा करते हैं तो हमें मिनिमम 30,000 के क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जिसमें आपका सिबिल भी अगर कम है या आपकी सैलरी भी कम है फिर भी ये कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। अब किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड पाना बहुत आसान हो गया है। सिर्फ आपको कोई भी बैंक में अपने नाम की एक FD जमा करनी है जिसके अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। एक कार्ड अगर आपके पास में आ गया है तो इस कार्ड के बेस पर आप अदर बैंक के भी क्रेडिट कार्ड आसानी से ले सकते हैं, वो भी हायर लिमिट के साथ में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।